दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने पहले दो मैच जीतकर यह सीरीज अपने नाम कर ली है। इसी के चलते आने वाले मैच में भारत की तरफ से तीन बड़े बदलाव होने की संभावना है। साथ ही मैं आपको होलकर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट भी बताएंगे ताकि आपको ड्रीम इलेवन टीम बनाने में मदद हो। तो पहले बात करते हैं भारतीय टीम में होने वाले संभावित बदलाव कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर ईशान किशन की जगह केएस भारत को मौका मिल सकता है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को रेस्ट देकर उनकी जगह पर तेज गेंदबाज उमरान मलिक को टीम में वापस लाया जा सकता है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को भी इस मैच में रेस्ट दी जा सकती है और उनके जगह पर ऑलराउंडर शाहबाज को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच तेज और उछाल वाली है। इस पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज इस पिच पर विरोधी टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। हालांकि होलकर स्टेडियम की पिच बड़े बड़े स्कोर के लिए भी जानी जाती है। इस पिच पर टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 418 रन का बड़ा स्कोर बनाया था। इसी का मतलब साफ है कि अगर कोई भी टीम यहाँ विकेट रोक कर खेलेगी तो वो बड़ा स्कोर आसानी से बना सकती है। दोस्तों, ड्रीम इलेवन की आपकी टीम ऐसी हो सकती है: विकेट कीपर के तौर पर केएस भारत और टॉम लेथम, बल्लेबाज शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल, हार्दिक पांड्या, डैरिल मिशेल, गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्ग्यूसन और कुलदीप यादव। दोस्तों, कैप्टन के तौर पर शुभमन गिल और वाइस कैप्टन के तौर पर माइकल ब्रेसवेल को आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी ड्रीम इलेवन टीम में कौन हो सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।